कोशिश करूंगा पर मैं गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है ना। रात को अगर बन पाएंगी, अभी दोपहर में बन पाएंगी तो होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पर ये जो वीडियो है, जो लास्ट मिनट टिप जैसे मैंने इंग्लिश में दी थी, उसी तरह से ये टिप्स हैं, ठीक है। कुछ नया नहीं है ज्यादातर, इसमें दो तीन बातें जो नहीं होंगी और सारी बातें तुम्हें पता होंगी। अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक खत्म नहीं हुआ है तो पहले उसमें तैयारी दो, ठीक है। ये वाली वीडियो कल सुबह देख लेना, बाद में देख लेना, पहले सिलेबस खत्म करने पे ध्यान देना, ठीक है। और जैसे ज्यादातर बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो वो आगे देख लो, ठीक है। तो एक तरह से बस रिवाइज करवा रहा हूँ जो जो बातें मैंने पहले बोली थी, जिससे तुम्हें एग्जाम देने से पहले वापस एक बार रिमाइंड आ जाए कि हाँ ये बातें मेरे को ध्यान रखनी है एग्जाम में, ठीक है। तो पहली बात वही कि जैसे इंग्लिश के पेपर में बच्चों का हेल्प करा, एक मार्क्स इक्वल्स टू 2 मिनट, मतलब कि एक मार्क के लिए तुम्हें 2 मिनट देने हैं, ठीक है। पेपर 180 मिनट का होता है पर मैंने 160 मिनट लेके चला हूं, क्यों, जिससे कि ऑटोमेटिकली तुम्हारे 20 मिनट क्लास में रीचेकिंग के लिए बच जाए। और ये बच्चों के साथ हुआ, ठीक है। बच्चों ने बहुत सारा इंस्टा पे और कमेंट में बोला कि भैया ये वाली ट्रिक काम करी है, एक मार्क्स के लिए 2 मिनट दो, लास्ट में अपने आप 20 मिनट बचेंगे जिससे कि रीचेकिंग हो जाएगी। तो ऐसे इंग्लिश के पेपर की तरह इस वाले पेपर में भी एक मार्क बराबर 2 मिनट के लिए की वाली स्ट्रेटेजी अपनाना, ठीक है। अब बात आते हैं कि किस तरह से, किस क्रोनोलॉजी में आपको ये अटेम्प्ट करना है पेपर। यार ये क्रोनोलॉजी वाले मीम बना रहे हैं बच्चे, इंस्टाग्राम पे डाला है मैंने, ठीक है। चलो पहली बात, रीडिंग सेक्शन करना है सबसे पहले, ठीक है। वो ये जैसे इंग्लिश में था कि तुम्हें सबसे पहले रीडिंग सेक्शन करना है। रीडिंग सेक्शन लास्ट में नहीं करना, क्योंकि लास्ट में तुम्हारा जो माइंड होगा वो भरा होगा, तुम क्या पता वो पैसेज अच्छी तरह ना समझ पाओ। तो इसलिए शुरू में तुम्हारा जो माइंड होगा, जब तुम पेपर तुम्हारे पास आएगा, ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस पढ़ लोगे, फिर जब तुम रीडिंग जो उसका पैसेज है वो पढ़ रहे होगे तो माइंड फ्रेश होगा, ठीक है, तो आराम से तुम उसके आंसर दे दोगे। ये जो मैंने क्रोनोलॉजी बताई थी इंग्लिश वाले पेपर में, वही सेम यहाँ पे यूज होगी, और वहां पे भी बच्चों की हेल्प करेगी, इसलिए यहाँ पे भी गारंटेड हेल्प करेगी, ठीक है। तो पहले रीडिंग सेक्शन कर लिया, दूसरा करेंगे राइटिंग सेक्शन, क्यों, क्योंकि अब हाथ थकाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। पहला हाथ नहीं थके थे, अब सेकंड पार्ट में हाथ थकाने हैं आपको, तो इसलिए राइटिंग सेक्शन करना। राइटिंग सेक्शन में सबसे मेन बात यही रखनी है दिमाग में कि पहले रफ में पॉइंट्स लिख लेना और उस रफ पेज को काट देना, भाई याद रखना काटना, ठीक है। मार्क्स वैसे नहीं कटेंगे अगर जो टीचर है उसे ऐसे ही गंदा कुछ दिखेगा इतना सब, तो उसको चेक नहीं करेगा, पर जब भी एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े तो उस पर रफ वर्क लिख के उसे काट देना, भूलना मत। तो रफ वर्क वाली स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा काम आई, बच्चों ने बोला कि भैया इससे बहुत अच्छी तरह आंसर बहुत अच्छी तरह फ्रेम हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रफ में लिख लेना, रफ में लिखने के बाद उसको एक तरह से फ्रेम करके अपने राइटिंग सेक्शन में लिखना, ऐसे ही लॉन्ग आंसर्स में होगा। तो सेकंड तुमने कौन सा करा, राइटिंग सेक्शन, वर्ड लिमिट में स्टिक रहना, वो भी कैसे पता चलेगा, जब तुम रफ में लिख लोगे तो अपने आप वर्ड लिमिट में तुम्हारा बन जाएगा राइटिंग सेक्शन। वर्ड लिमिट 50-60 वर्ड ऊपर हो सकती है, ठीक है, ज्यादा ऊपर मत करना। बच्चे बोले थे कि भैया ऐसे एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में कैसे रहें, ऐसा मत करो, 50-60 वर्ड लिमिट ऊपर जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई काट पीट मत करना, ठीक है। तीसरा जो आएगा वो आएगा तुम्हारा ग्रामर सेक्शन, ठीक है। अब हाथ नहीं, पहले हाथ थक गए थे, अब हाथ नहीं थकेंगे तो हाथ को थोड़ा आराम दे दो, ग्रामर सेक्शन करना। ग्रामर सेक्शन की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर की हैं और वो सारी, ठीक है, तो एक बार चैनल पे जाके देख लेना। फोर्थ जो होगा वो तुम्हारा लिटरेचर होगा, ठीक है, क्योंकि अब वापस से तुम्हारा हाथ थकाने का टाइम आ चुका है, और लिटरेचर सेक्शन इसलिए लास्ट में कि अगर तुम्हारा पेपर में लास्ट में टाइम नहीं बचा तो लिटरेचर सेक्शन में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें आंसर्स याद होते हैं, ठीक है, बस तुम्हें फ्रेम करना होता है जल्दी जल्दी। तो अगर वो टीचर आके तुम्हारे से कॉपी छीन भी रहा तो उस समय तक तुम लिखते रहोगे, ठीक है, इसलिए लास्ट में लिटरेचर सेक्शन तुम खत्म करना, ठीक है। ये वही बात कि जो सेक्शन उठाओ उसे पूरा खत्म करना, ठीक है। अगर तुमने ये वाला अपना रहे हो तो इसी में रहना, और कोई ऐसा मत करना कि कोई क्वेश्चन तुम लास्ट में लिख रहे हो किसी एक सेक्शन का, हो जाए तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करना वहीं पे, अगर नहीं आ रहा है तो गैप छोड़ देना जिससे कि बाद में उसे कवर कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक की बात आ रही थी कि हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उससे कैसे बचा जाए। तो देखो जैसे तुम कोई भी अब लाइन लिखने जा रहे हो, कोई भी आंसर में लाइन लिखने जा रहे हो, तो एक सेकंड पहले वो हमारे दिमाग में लाइन आ जाती है, ठीक है, तो अब उसको एक सेकंड मत दो, उसको 2 सेकंड दे दो, ठीक है। 1 सेकंड देते थे पहले सोचने के लिए, ठीक है, कोई भी लाइन लिख रहे हो तो 1 सेकंड दो, अब उसे 2 सेकंड दो। 2 सेकंड क्यों, जो अगला सेकंड है उसमें ये सोचो कि उस लाइन में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसकी स्पेलिंग मुझे नहीं आती। अगर वो ऐसा कोई वर्ड है जिसकी स्पेलिंग तुम्हें नहीं आती तो उस वर्ड का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ के उसमें डालो, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक में यार और कोई मेरे को दिमाग में नहीं आया इस समय, यही हो सकता है कि तुम कोई वर्ड को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले सोच लो जिससे कि काट पीट ना हो, ठीक है, तो पहले 2 सेकंड देके फिर उसके बाद लिख लो। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे अंडरलाइन कर देना पेन से या फिर पेंसिल से, ठीक है, अच्छी तरह अंडरलाइन करना जिससे कि तुम्हारा एग्जामिनर उसका वो मतलब एक तरह से उसे सुंदर लगे पेपर, अच्छा हाईलाइटेड लगे।
लेखक और पोएट जो है उन सबके नाम याद कर लेना, ठीक है, ये लास्ट टिप है। और वही कि यार अच्छी तरह करना, ठीक है, पढ़ाई जितनी भी हो रही है, जितना भी हो है कोई बात नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, 100% बहुत कम बच्चों का सिलेबस हो पाता है, पर लीजेंड कौन होता है जो कम करके भी अच्छा फोड़ दे, ठीक है। तो जैसे हिंदी का पेपर, इंग्लिश का पेपर आया था, वैसे ही पेपर बहुत ज्यादा आसान आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अच्छी तरह नींद लेके जाना, आज पूरी रात पन्ने नहीं पलटने हैं, ठीक है, पेपर में आग लगा देंगे पक्का, ठीक है, बाय बाय।